स्वस्थ हो जाएंगी तो आगे जिंदगी में आपके कॉम्पिटिशन में उतर नहीं सकते। हालात ऐसे है, नए नए जयास आ रहे हैं, नए नए गवर्नमेंट के रूल्स आ रहे हैं, जिसमें ये हो रहा है कि आप हाल ही में एक जया आया है अरवान साहब, जिसमें बी ए को भी अगर सेकंड क्लास अगर है, हायर सेकंड क्लास 50% है तो ही उसको नौकरी के काबिल है। एक ट्रेड ऐसा था कि हमारे पास मैट्रिक पास भी डीएड मिलना मुश्किल था, आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी करेंट कंडीशन आ गई है कि 50% पास हो जाए। तो बोलने का मकसद मेरा ये है कि बुनियादी तालीम बहुत ज़रूरी है, जैसे मोदी साहब ने हमारे कहा तहसील की आपको कि बुनियादी तालीम अच्छी है, आप खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, आपके अस्तित्व की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। इस मौके पर इतने ही आपके साथ नसीब के साथ मैं अपनी दौलत खत्म करता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सदर साहब ने आज के प्रोग्राम के मौजूद मेहमान ने जो कुछ आपको नसीहत की है आप उसको अपनी जिंदगी में अमल पैरा करते हुए कामयाब हासिल करेंगे। अब वो खड़ी आ चुकी है जिसकी आप मुंतजर थे काफी देर से, कि जो आप मेहनत जो आपने की है ग्राउंड पर क्लास में वो नकदी तौर पर आपके हाथ में कैसे आ जाए। As you see, there is a banner at the back of the stage. It shows that it is a prize distribution ceremony, isn't it? It is said that failure is the first step of success. Nakamyabi, kamyabi ki pehli seedhi hoti hai. Ab jo bacche kamyab honge, prize lenge, wo to bahut zyada khush rahenge, enthusiastic. Lekin jo bichare nakam rahe, second position pe, third position pe aa gaye, उन्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप नाकाम हुए अभी, हो सकता है अगले साल आप कामयाब होंगे, इसलिए आप एक नए हौसलों के साथ अगले साल तैयार रहेंगे। और जो बच्चे कामयाबी हासिल किए उन्हें मैं मुबारकबाद देता हूं। आगे की कार्रवाई के लिए मैं अमृतसर को दावत देता हूं कि वो आगे की कार्रवाई चलाए।